नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूरोप कंट्री से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुछ मेरे पास तो वही चीज़ें आती हैं, वो लोगों के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो फंस गए, जिनके पैसे गए, वो तो उनको तो चलो गया, वो पैसा उनका वापस आएगा नहीं आएगा अलग इश्यू बन जाता है, लेकिन जो आप पहले दोबारा आप उन चक्रों में फंसने से बच जाओ। जी हाँ साथियों, तो नए टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ नया ट्रेंड चला है, जी हाँ नया ट्रेंड इसलिए मेरे सामने पहली बार आया, हो सकता है पहले से चल रहा होगा, लेकिन कोरोना जैसे जैसे थोड़ा सा डाउन पड़ता जा रहा है ना, तो जो नाग हैं वो फन उठाने स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, विदेश से रिलेटेड हम बात करेंगे, कनाडा से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो मैं बता दूँ, एक नया फंडा चल के आया है। पिछले 3 दिन में लगभग 4 केस मेरे सामने ऐसे आए हैं बायोमेट्रिक। आप सब बोलोगे सर बायोमेट्रिक क्या है, कनाडा का वीज़ा की हम बात नहीं कर रहे, हम टिकट की बात नहीं कर रहे, हम जॉब की बात कर रहे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ बायोमेट्रिक का झोल क्या। जी हाँ, आप किसी एजेंट से संपर्क में होते हो। देखिए, पहले सुबह मेरी एक बंदे से बात हुई, मैं बोला 50,000 रुपये दे दिए एजेंट को, पहुंचा दिए 50,000 रुपये। मैं बोला कैसे दिए मेरे भाई, तो बोला सर फेसबुक से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उसके बाद मैं उनके ऑफिस में गया, पासपोर्ट वहां पे रख दिया, 50,000 उन्होंने मांगे, 10,000 रुपये किसके मांगे, लॉयर के। अब आप समझ लीजिए 154 में, मैं बता दूं जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तब भी वकील 15-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं फीस के, जमानत करवाने के। एक इमिग्रेशन लॉयर भी 10,000 रुपये फीस में वो काम करवा देगा, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए वकील की फीस होती है। लेकिन जब चिंदी चोर चिंदी चवन्नी का काम करेंगे, चवन्नी अठन्नी का, तो उनकी औकात इतनी होती है कि वो यहीं तक रहते हैं। 50,000 रुपये ले लिए, अभी उनसे 10,000 रुपये किस बात के मांगे जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट इश्यू है। देखिए, उनको बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये और दीजिए, हम आपका वो बायोमेट्रिक करवाएंगे। जी हाँ, अब बायोमेट्रिक का झोल क्या है, मैं बता दूं आप, चाहे मलेशिया का बायोमेट्रिक, कनाडा का छोड़िए, मलेशिया की हम बात करें तो बायोमेट्रिक दिल्ली में होता है, लगभग स्टेटों में अलग अलग होता है, लेकिन हमारे इधर जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में होता है। तो बायोमेट्रिक का क्या झोल है भाई, पहली बात तो बता दूँ कि अगर बायोमेट्रिक कोई ऑफिस करवाती है, कोई एजेंट करवाता है, लीगल काम में होता है, वो तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है कि बायोमेट्रिक के नाम से 10,000 रुपये मांग रहे हैं। जी हाँ, एक बंदे से 6,500 रुपये मांगे गए, उसी कनाडा के नाम से दूसरे बंदे से 10,000 रुपये मांगे गए। तो आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ तो हो गई ना, जबकि बायोमेट्रिक का क्या रेट है इंडिया में, जो VFS के पास में जो बायोमेट्रिक है अंडरग्राउंड, जो रेलवे स्टेशन उसके नीचे, सबको पता है 2500 रुपये लगते हैं। पहले 2250 थे, अब 200-300 रुपये बढ़ गए, 2500 रुपये बायोमेट्रिक का लगता है। ये हराम जाते एजेंट 10,000 रुपये आप लेते हैं कि हम देंगे उस बंदे को, पता है 6,500 रुपये लिए, उस बंदे को 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया। जी हाँ साथियों, आप समझ सकते हैं इस कोरोना के काल में वो बायोमेट्रिक वाले बैठे मक्खी मार रहे हैं कि कोई आ जाए तो बायोमेट्रिक कर दें, लेकिन 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया, जबकि सच्चाई क्या है, 2 महीने तक तो ठंडे बस्ते में चला गया मेट्रिक, इतने में बंदा फिर थोड़ी गोली देंगे फिर भूल जाएगा, 4-6 महीने हो जाएंगे। दूसरे बंदे से 10,000 रुपये के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि हम आपका बायोमेट्रिक डेट कन्फर्म करेंगे, इसलिए आप हमें 10,000 रुपये दीजिए, जबकि बायोमेट्रिक के 2500 रुपये लगते हैं, सबको पता है, आपको भी पता होगा। दूसरी बात, ये पैसा जब बंदा खुद जाता है, बायोमेट्रिक तो आपका होगा ना, अंगूठों का फिंगर होंगे आपके, बायोमेट्रिक इसी को बोलते हैं, तो वो पैसा तो आपकी जेब से लगेंगे ना वहाँ पे, कि सर ये पैसा लीजिए बायोमेट्रिक हमें दीजिए, दूसरे दिन मिल जाती है रिपोर्ट। लेकिन यहाँ तो नहीं जी, हमें दीजिए पैसा, हम उनसे उनको कितना देंगे क्या देंगे। लेकिन ये एक बड़ा खेल चल रहा है भाई, बायोमेट्रिक के नाम से कोई एजेंट पैसा मांगे तो पास में हो तो थप्पड़ मारना, और दूर हो तो उससे संपर्क दोबारा मत करना, ब्लॉक कर देना उसको। बस ये जानकारी देनी थी, बाकी रोज वीडियो देखते बताते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।